अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? निदा फातिमा फूड एंड व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदेद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन बिरयानी, चिकन पंजाबी बिरयानी। हम पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में जिस तरह की बिरयानी बनती है हमारे घरों में, हम वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, 3 अदद मीडियम प्याज, 1/2 किलो चिकन, इमली का पल्प दो बड़े चम्मच, 1/2 कप दही, 1/2 किलो चावल मैंने हाफ डन करके बॉयल करके रख लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 लेमन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन की चंद कलियाँ और आलूबुखारा, खुश्क आलूबुखारा के 5 दाने। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने 1 कप ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम अपने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जूलियाँ ये मैंने कट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इनको हम शामिल करके ब्राउन करेंगे, अच्छे हो जाएंगे। प्रोसेस हम आपको शेयर करेंगे और फिर हम अगला प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, घी में फ्राई हो रहे हैं, तो जैसे ही ब्राउन होते हैं तो हम वो भी इनकी शक्ल आपसे शेयर करेंगे, दिखाएंगे। इसको अच्छे तरीके से चम्मच को हंडिया में घुमा फिर आके प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे ताकि हमारी बिरयानी का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आए। बाज़ुकात थोड़े से हल्के ब्राउन किए जाते हैं, थोड़ी सी वाइट वाइट बिरयानी होती है, तो हम सही जो बिरयानी का कलर होता है हम उस तरह के में प्याज ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। दरमियान में कोई एक एक प्याज है जो रह गया है ब्राउन होने, उसको हम हिला जुला के ऑयल में तो ये हम ब्राउन कर लेंगे। इस हमें इसी तरह के प्याज चाहिए ब्राउन। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और प्याज़ों को निकाल लूँगी और अगला प्रोसेस बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना चिकन ऑयल में शामिल कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे और फिर एक एक बोटी उठा के डाला करें ताकि कोई चिकन का पानी वगैरह नीचे रह जाता है, तो ये साफ़ करना पड़ेगा। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने जग में प्याज डाल दिए हैं, टमाटर डाल के मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी इनका मसाला, ताकि ये शेक हो जाए, ग्रेवी सी बन जाए, ताकि हमें फिर ज़्यादा टाइम ना लगे इसको ग्रेवी बनाने में। जी व्यूअर्स, हमने मसाला ग्राइंड कर लिया। इसमें सिर्फ मैंने प्याज और 2 मीडियम साइज़ टमाटर डालकर इसको ग्राइंड किया है ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा स्मूदी हो जाए। हमने मीनवाइल ऑयल जो प्याज़ों में से जो ऑयल बचा था उसी ऑयल में हमने चिकन डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे और फिर हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है चिकन। हम 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि जो इनका लहसुन अदरक का कच्चापन है और चिकन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक भी इसमें अच्छे से पक जाए। बस थोड़ा सा हम 30-40 सेकेंड इसको फ्राई करेंगे, इतनी देर में इसका लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। मिला हमारा जी व्यूअर्स, जो हमने ये प्याज और टमाटर दिए थे ग्राइंड वो तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मसाला पेस्ट ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, ऐसे अच्छे से भून लेंगे इसको, भुना हुआ है। जी व्यूअर्स, इस टाइम पे हमने 1/2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है चिकन बिरयानी मसाला और 1/2 चाय के चम्मच मैंने चाट मसाला और नमक हसब ज़रूरत। 1 चाय के चम्मच नमक है, चावल बॉयल करते हुए मैंने नमक डाला था। फिर मैं मसाले में से चेक कर लूँगी, आप भी चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स,
इसको हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे मसाले को, अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून जाए और किनारों से, पतीली की किनारों से जो है ना ऑयल जब हमें सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा तो समझेंगे हमारा मसाला भून चुका है। और इसी पानी में जो हमने थोड़ा सा पानी डाला है ये हमारा चिकन गल जाएगा जी। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि आँच हम थोड़ी सी कम कर देंगे, मीडियम आँच पर हमने इसे बनाना है। जी व्यूअर्स, हम इमली का पल्प शामिल कर देंगे, अच्छे से इसको साफ कर देंगे और फिटा हुआ साफ आधा कप जो दही है वो भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से साफ करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। पांच दाने आलू बुखारे के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे ढक देंगे। ये बस मैंने नहीं हिलाया है ताकि मसाला नीचे से जले ना, साइडों से पतीली के साइडों पे ना जले, तो मैंने उतार लिया। ये देखिए हमारा ऑयल जो है पतीली के किनारों पे नज़र आना शुरू हो गया और ये बुलबुले से बनने शुरू हो गए, बिल्कुल हमारा मसाला परफेक्ट है। इसी स्टेज पे मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो मैंने इस तरह लंबा कट लगा के वो शामिल कर दिए और आधा लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ कर दूँ, निचोड़ दूँ। मेरे बेटे को लेमन ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे कहा कि मम्मा इसमें आपने ज़्यादा लेमन ऐड नहीं करने, 2 लेमन वैसे इसमें है, इसके स्लाइस काट के उसमें साथ ऐड करते हैं। इसे मसाला जो साबुत मसाला होता है वो मैंने नहीं डाला, इसे नहीं पसंद, और लेमन भी इसके ऊपर स्लाइस वो भी इसे पसंद नहीं है। वरना इसमें कड़ी पत्ता और दालचीनी और बड़ी इलायची भी इसमें जाती है इस बिरयानी में, तो वो हम घी में फ्राई करते हैं, उसका भी अरोमा बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी इसमें जब बनाएं तो 2 कड़ी पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग साबुत मसाला जो होता है वो घी में ज़रूर फ्राई कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। माशाल्लाह से हमारा आलमोस्ट ये डन हो चुका है। थोड़ा सा मसाले को और भूनेंगे और मैं इस स्टेज पर थोड़ा सा चेक करूँगी, नमक मुझे थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। बस आधी चाय की चम्मच मैंने नमक थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर देंगे ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। 1 से 1.5 मिनट मसाले को और हम इसको भूनेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पतीली में ऊपर ऑयल आ चुका है और बहुत अच्छा सा मसाले का अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी खुशबू आ रहा, मसाला भुन चुका है हमारा बहुत अच्छा। अब हम इसे शिफ्ट कर दूँ और इसी पतीली में मैं बिरयानी की और मसाले की तहें लगाते हुए आप लोगों को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली तह हम थोड़ी सी चावलों की लगाएँगे। हम इसमें शामिल कर देंगे मसाला, फिर हम शामिल करेंगे चावल।
आधा किलो ही मैंने चावल लिए थे, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चिकन लिया था। ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला दूँगी। समय फूड कलर दरमियान में और इधर थोड़ा सा पानी और डालूंगी जी। वो थोड़ा सा मुझे फूड कलर कम लग रहा था, अब इसे हम दे देंगे दम 10 से 12 मिनट के लिए। रुमाल लगा कर एक मिनट जी। व्यूअर्स आंच दम वाली देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का फ्लेम है, ज़ीरो पे है, तो आप ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल सादा मैंने बनाई है बिरयानी। और ये आप देख सकते हैं मैं अब इसे दम लगाने लगी हूँ। मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है, खुश ये रुमाल लिया है वो मैंने ऊपर लेके ढक दिया है इसको। हम 15 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे इसकी क्या कंडीशन है। अब इसकी आँच भी आप देख सकते हैं जी। वीवर दम आ चुका है, मैंने दम खोल दिया। माशाल्लाह से बिरयानी देखिए कितनी अच्छी कुक हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और चिकन भी टेंडर है। मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक। मैं भी लगाती हूँ इसको। जी व्यूअर्स ये हमारे बिरयानी माशाल्लाह से मसाले वाली बिरयानी, पंजाबी बिरयानी बेहतरीन रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं इसके जी व्यूअर्स हमारी बिरयानी की मज़ेदार पंजाबी बिरयानी मसालेदार खुशबू जायकेदार ज़रूर बनाइएगा, साथ खूबसूरत सा रायता और पुदीने के रायते के साथ और खूबसूरत से हमारे सलाद के साथ हमारी मज़ेदार पंजाबी मसाला बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आइए आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।